बाय द नेम ऑफ अलमाइती अल्लाह। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अडोबी इलस्ट्रेटर तौर में क्लिपिंग मास्क कैसे बनाते हैं, क्लिपिंग मास्क कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। इस रेक्टेंगल को कुछ इस तरह, और इस रेक्टेंगल को कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, कंट्रोल एफ कॉपी इन फ्रंट, और इसका साइज मैं बनाता हूँ थोड़ा छोटा कुछ इस तरह। तो अभी मेरे पास दो रेक्टेंगल है। अभी मैं इस रेक्टेंगल के बीच में कोई पिक्चर फिट करना चाहता हूँ, और उस पिक्चर इस फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसको हम क्लिपिंग मास्क बोलते हैं। उसके लिए हमें एक पिक्चर की ज़रूरत है, फ़ोटो की। तो फ़ोटो मैं लेके आता हूँ। ओके, फ़ोटो को मैं छोटा बनाता हूँ कुछ इस तरह। अभी बेसिकली जिस फोटो को हम क्लिपिंग मास्क बनाना चाहते हैं, तो वो फोटो बेसिकली हमारे क्लिपिंग मास्क लेयर के नीचे होना चाहिए। तो ये क्लिपिंग मास्क का जो लेयर है, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। अभी इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, इसको प्लस शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके मास्क, क्लिपिंग मास्क इन मैक मैक, अभी ये फोटो उसी मास्क में फिट हो गया। तो इसको एडिट करने के लिए वापस हम ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क इन एडिट कंटेनर, एडिट कंटेनर में अभी जो फोटो सिलेक्ट है, तो उस फोटो को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह। और इस फोटो के बाद हम इसी कंटेनर को भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल छोटा छोटा और बड़ा हम बना सकते हैं इस कंटेनर को। अभी इसके करने के बाद हम क्लिपिंग मास्क यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो क्लिपिंग मास्क है वो एडिटिंग फॉर्म में से निकलता है। अगर हमें ये रिलीज़ करना हो, तो इसी पे क्लिक करके क्लिपिंग मास्क में जाके रिलीज क्लिप, तो वापस रिलीज़ हो गया। तो होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। ये यूज़फुल ट्यूटोरियल है, बहुत जगहों में काम आता है इलस्ट्रेटर में। तो अगर आपने कुछ सीखा होगा इससे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और बेसिकली हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।